नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। योगी राज में जंगल राज क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बलरामपुर का है, जहां बदमाशों ने युवक पर चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद शव को पानी में फेंक दिया। क्या है पूरा मामला देखिए। योगी राज में जंगल राज क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मामला बलरामपुर थाना गैसड़ी का है, जहां बदमाशों ने युवक को चाकू से गोद कर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया। आपको बता दें, मृतक संजय गौतम सुखरामपुर का निवासी पचवेड़वा बरसा मेडिकल एजेंसी पर दवा स्पेशलाइज का काम करता था। शनिवार को घर से सुबह वर्षा मेडिकल एजेंसी से दवा लेकर तुलसीपुर गया हुआ था। दवा सप्लाई करके पैसा कलेक्शन करके आ रहा था, तभी बदमाशों ने युवक का बाइक रोककर युवक को चाकू से गोद कर हत्या कर दिया, जिसके बाद शव को पानी में फेंक दिया। वहीं मृतक के घर वाले खोजबीन शुरू किए तो मृतक का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था, इसलिए मृतक के घर वाले खोजते हुए तुलसीपुर की तरफ निकले तो तुलसीपुर बौद्ध परिपथ मार्ग पर मटेहना और सोनपुर के बीच उसकी बाइक खड़ी मिली और उसका शव सड़क के दाएं तरफ पानी में मिला। एसपी देवरंजन वर्मा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मामले की छानबीन की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट एचबीएन न्यूज। दवा का सप्लायर था, गया था सप्लाई करने तुलसीपुर। रास्ते में आते वक्त रात में लगभग 8:30-9 बजे के टाइम पे घर पे नहीं पहुंचा। घर से निकलने के लिए ढूंढने के लिए निकले, लास्ट में क्या पता चला कि सोनपुर और मटेना के बीच में बाइक रोड पर ही खड़ी है और मेरा भाई पानी में पड़ा है नीचे। अच्छा, तो कहाँ से चोट कैसे आई है? एक चोट यहाँ सीने पर आई है और एक यहाँ पर आई है और एक यहाँ पर आँख के नीचे और एक यहाँ पर है। चाकू के निशान है सर? और चाकू के निशान, ये सब चाकू लगा, चाकू से मारा गया। अच्छा, जिसका शव है वो संजय कुमार गौतम का है, वो हमारे भतीजा है, बड़े भाई का लड़का। वो 9 बजे घर से पचपड़वा के लिए निकल जाते हैं रोज, और उस दिन कल भी निकले थे। जिस दिन वर्षा, कहाँ काम कर रहा है? पचपड़वा वर्षा मेडिकल पर, वहाँ पर काम करता था। जिस जगह मालिक भेजते थे उन्हें, उस जगह जाता था, सप्लाई करता था और पैसा भी वसूलता था। उसके बाद में देर रात को जब वापस आने लगा, फिर लगभग 7:30-8 बजे मालिक ने कहा कि फ़ोन किया मैंने, तो कहा कि मैं तुलसीपुर से निकल रहा हूँ। तो उसके बाद में फिर फ़ोन किए तो स्विच ऑफ बताने लगा मोबाइल। जब स्विच ऑफ बताने लगा, कई बार लगा चुके, तो उसने बताया एक और था, क्या नाम, बैजू, वो भी दवाई सप्लायर है, उन्हीं के यहाँ काम करता है। वो गया था वहाँ, क्या नाम, ललिया तक, ललिया हरियाणा, तो वहाँ गए थे। वहाँ से आ रहे तो उनके पास फ़ोन किए, तो वो भी लगाया, तो भी स्विच ऑफ बताया इनका मोबाइल नंबर। जब स्विच ऑफ बताया तो वो भी बताया कि आप खोजते चले आइए। तो इन्हें खोजते आए तो यहाँ उन्होंने ही पहले देखा है, गाड़ी रोड पर खड़ी थी, बिरजू ने देखा गाड़ी रोड पर खड़ी थी और शव ही पानी में पड़ा था। जनपद बलरामपुर के कोतवाली गैसड़ी में कल रात एक 19 वर्षीय युवक की चाकुओं से गोद करके हत्या हो गई। ये युवक गैसड़ी में ही रहने वाला था और इस युवक का नाम संजय कुमार गौतम है। ये एक मेडिकल स्टोर में जो दवा सप्लाई करते हैं, उन सप्लायर्स के एजेंट के रूप में कार्य करता था ये। कल रात में पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस जब मौके पर गई तो वहां पर इस युवक की मोटरसाइकिल रोड के किनारे खड़ी हुई थी और थोड़ी ही दूर पर एक रोड के किनारे गड्ढा था जिसमें पानी भरा था, उसमें युवक का शव पड़ा हुआ था, जिसपे 4 स्थानों पर चाकुओं के निशान थे। और छानबीन करने पर यह बात सामने आई कि कल रात में ये युवक दवा सप्लाई करने के लिए तुलसीपुर गया था। लगभग 5,000 रुपये की दवा थी और उसकी जेब से भी करीब 3,000 रुपये बरामद हुए हैं। और वो जब दवा सप्लाई करके वापस लौट रहा था तो उसी दौरान ये वारदात हुई है। तो पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है और इसमें कई सारी टीमें बना करके हम लोग इस घटना को वर्कआउट करने में लगे हैं और बहुत जल्द ही इस घटना का हम लोग अनावरण कर लेंगे। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले
पाँच महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।